हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माइसेल ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। सो आज हम लोग अपने जो मेजर टेस्ट था, जो जेई मेंस का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। इस एक्स को सेटिस्फाई करने वाली रियल वैल्यूज क्या होगी। तो देखिए, ये जो नंबर है हमारे, उस पहले वाले के कंपेरेटिव में थोड़ा सा छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही नंबर है। तो ये बनेगा आपका t प्लस 3, और इसको मैं उधर ले गया, सो देयर विल बी 1 माइनस रूट टी। इसमें स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे हमें मिलेगा t प्लस 3 प्लस 2, t प्लस 3 ही होगा इधर तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आपके सामने स्क्वायर रूट हट जाएगा। t प्लस 3 इक्वल टू इधर आएगा, देखिए 1 प्लस t माइनस 2 रूट टी। देखिए क्या आएगा, t से t कट जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहां से आएगा 1 इक्वल टू माइनस रूट टी। अब देखिए इसके अंदर जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहां से एक्चुअली वैसे तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए, देखिए रूट टी की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, ठीक है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और अगर बाई चांस आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे यहां पर, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये सॉल्व तो हो जाएगी आगे इक्वेशन, लेकिन आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रूट कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता। कोई भी रियल नंबर एक्स ऐसा एक्स नहीं होगा जब ये आपका माइनस वन होगा। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई इक्वेशन बन नहीं रही है। इसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि यहाँ से कोई रियल सॉल्यूशन आगे नहीं आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि अगर थीटा पाई से 3 पाई पाई 2 में है, तो इस ये एक्सप्रेशन किस चीज के इक्विवेलेंट है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाली टर्म को सॉल्व किया, साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पुट की, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, प्लस ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको सोल्व किया तो ये बना 2 टाइम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पाई पाई 2 माइनस थीटा। देखिए फिर आगे फर्दर सोल्व करते हैं, इसमें से 4 साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो 1 हो जाएगा, और ये है आपका 2 प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है sin थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा। अब देखिए रूट से स्क्वायर हटेगा, तो यहां पर आएगा मॉड 2 sin थीटा प्लस 2 प्लस 2 sin थीटा, और क्योंकि थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो sin नेगेटिव होता है, तो मॉड आपका नेगेटिव sin के साथ ओपन होगा, और यहां से आएगा माइनस का 2 sin थीटा प्लस 2 एंड प्लस 2 sin थीटा, तो ये कट जाएगा आपका, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। सो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसी एक क्वाड्रेटिक का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होगी। देखिए जैसे x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा हमें, तो जो क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, उसके अंदर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 होगा, और साथ में मान लेते हैं कि ये अल्फा x प्लस बीटा है, और आपको बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसके क्वाड्रेटिक के स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा x की पावर 4 प्लस इसके बाद में x क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से आएगा, सो 2 टाइम अल्फा x क्यूब। x स्क्वायर का टर्म कहां से आएगा, देखिए एक तो इसके स्क्वायर से आएगा, और एक जो बीटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक जो बीटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा x का कोफिशिएंट कहां से आएगा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो 2 टाइम अल्फा बीटा x, और साथ में आपके सामने कांस्टेंट टर्म आएगी दैट इज बीटा स्क्वायर, सो ये आ जाएगी बीटा स्क्वायर।
तो एक स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, और एक दो तीन आपके दो दो के प्रोडक्ट वाले, तो ये सारी टर्म्स आ गई है, तो ये आपका इस चीज़ के इक्वलेंट है। अब देखिए अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो इसके सारे कॉपिसेंट्स भी सेम होंगे, जैसे एक्स की पावर फोर का कॉपिसेंट सेम है वन, वैसे बाकी सब भी कॉपिसेंट सेम होंगे। तो यहाँ से देखिए हमें इनकी वैल्यूज मिलेगी, तो सबसे पहले टू एल्फा किसके इक्वल है 12 के, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। एल्फा की वैल्यू 6 जब आप एक्स स्क्वायर के कॉपिसेंट में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 36 प्लस 2 बीटा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉपिसेंट आपको कितना दिया गया है 46, तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल गई दैट इज 5। एल्फा और बीटा आ चुका है तो ए और बी भी आ जाएगा। देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा कितना 2 टाइम एल्फा बीटा, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 सो देयर विल बी 60। और बी की वैल्यू है आपकी कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज बीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 25। तो ये आपका आंसर होगा, ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 25, सो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया गया कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो नंबर्स है जो कि इन तीन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि इस वाली टर्म का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 3xyz। तो चलिए देखते हैं ये कितना आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि यहाँ पर जो नंबर है ना, और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, x बाई वाई है, इधर है y बाई एक्स, ऐसे उधर z बाई एक्स है, इधर है x बाई जेड, y बाई जेड है, इधर z बाई वाई। तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है इन नंबर्स को a, b, c मान लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये नंबर a है, ये b है और ये c है। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि a प्लस b प्लस c कितना है मेरे पास, That will be 7, ठीक है ना, a plus b plus c कितना है 7। साथ में ही इस वाली कंडीशन से आपको मिलेगा 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, और ये कितना है आपके सामने 10। इसमें अगर मैं LCM लूंगा तो ये दो दो के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, मीन समीशन ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, देयर विल बी 10 टाइम ए बी सी। तो एक इक्वेशन मेरे पास में ये है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास में ये है, क्लियर। और यहाँ से देखिए x बाई वाई की अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और साथ में माइनस का 3 एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड को देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको ए बी सी के फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ए कितना था, ए था आपके सामने एक्स अपॉन वाई, ऐसे ही बी कितना था, बी था आपके सामने वाई बाई जेड, और c कितना था, c था आपके सामने z बाई एक्स। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज अगर मेरे को पुट करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई बी जेड और c x। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं होगा, ये सिर्फ माइनस 3 रहेगा, ठीक है। तो आपका जो पेपर होगा वहाँ पर माइनस 3 आएगा, ठीक है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप इसको सॉल्व करना। तो माइनस 3 और माइनस 3 के साथ में देखिए अगर हम इन मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है, और 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसके अंदर अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी इंटू समीशन ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, समीशन ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ठीक है, तो उसको लिख दिया माइनस समीशन ऑफ ए बी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का सम तो है मेरे पास 7, और समीशन ऑफ ए बी को मैं 10 ए बी की सी के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, लेकिन समीशन ऑफ ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायरिंग कर लेता हूं। तो ये बनेगा देखिए समीशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम समीशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 49। तो यहां से मेरे पास में किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को वैल्यू मिल जाएगी समीशन ऑफ ए स्क्वायर की, इसकी वैल्यू पुट कर दे 7, ये बन जाएगा 49 एंड माइनस 2 टाइम समीशन ऑफ ए बी और समीशन ऑफ ए बी, तो ये बन जाएगा माइनस 3 टाइम समीशन ऑफ ए बी, और समीशन ऑफ ए बी कितना है आपके सामने 10 टाइम ए बी सी, तो दैट विल बी 10 इंटू ए बी सी,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर से वन आएगा, सो देयर विल बी माइनस 30। क्लियर? और ये काम तो आप वैसे यहां पर भी कर सकते थे, ठीक है, कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो वन आएगा, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके सामने कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 आ रही, वो डायरेक्ट आप वहीं पर कर सकते थे। तो चलिए ये आएगा 7 इंटू 49 माइनस 30, दैट इज 19, सो 19 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 133, और ये आपका क्या है सही आंसर, सो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि 3 वर्टिसेस आउट ऑफ 6 वर्टिक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन आर चूजन रेंडमली, ठीक है ना, 6 में से 3 आपको चूज करने हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आफ्टर ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बहुत ही कम बनेंगे, आप उनको सीधा काउंट कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको इसमें से 6 में से 3 वर्टेक्स को अगर चूज करके आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो आपको इक्वी डिस्टेंस पे करने होंगे, तभी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। मीन्स एक तो ये पॉसिबल है इक्वी डिस्टेंस पे, और दूसरा आपके सामने ये पॉसिबल है इक्वी डिस्टेंस पे, इन दो के अलावा आपके सामने कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम आपके सिर्फ दो होंगे, एक ये ट्राइंगल और दूसरा आपका ये ट्राइंगल, ठीक। इसके अलावा ट्राइंगल्स तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन उनमें से इक्विलेटरल आपका कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको इन्हीं 6 में से 3 को सिलेक्ट करके करना है। अगर आप इन दोनों को पास पास वालों को कर लोगे, एक दूर वालों को करोगे, तो सीधी सी बात है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो आपका फेवरेबल आउटकम सिर्फ 2 है और टोटल आउटकम हो जाएंगे 6 में से 3 का सिलेक्शन, तो ये हो जाएगा 2 × 6 × 5 × 4 / 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1/10। और इस तरीके से जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है आपसे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे 5 ए है आपके सामने, 3 बी है, 3 सी है, 1 डी है, 2 ई और 1 एफ, ठीक है। इनको आपको अरेंज करना है इन्हें रो सच दैट नो टू सी अकर्स टुगेदर। तो पहले सी को छोड़ करके बाकी सबको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए टोटल कितने काउंट कर लेते हैं, 5 + 3 = 8, सी को नहीं करना है 9, एफ 10 और 2 ई है आपके सामने 12। तो टोटल जो 12 नंबर से पहले इनको अरेंज कर दीजिए, देयर विल बी 12 फैक्टोरियल, इसमें से जो आइडेंटिकल है उससे डिवाइड कर दीजिए 5 फैक्टोरियल इंटू, साथ में बी 3 बार है 3 फैक्टोरियल, और साथ में E 2 बार है 2 फैक्टोरियल। लेकिन C को काउंट नहीं करना है क्योंकि C को तो अभी हमने यूज ही नहीं किया। क्लियर? अब देखिए 3 C को आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आए हैं इनके गैप में डालने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो 12 नंबर्स जो आपने सेलेक्ट किए थे, अरेंज किए हैं, उनके बीच में कितने गैप्स बनेंगे, 13। उन 13 में 3 C को पुट करना है, तो 3 गैप सेलेक्ट कर लीजिए, और क्योंकि तीनों C आइडेंटिकल है तो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो एक ही तरीके से होगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल। क्योंकि आइडेंटिकल है, तीन को अरेंज करना है तो ऊपर 3 फैक्टोरियल, तीनों आइडेंटिकल है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आंसर है, और इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो क्या है सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दी गई, ये शायद आपके पिछले माइनर टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है और एडजॉइंट ऑफ ए ये दिया गया है, देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, इसका ऑर्डर 3 है, 3/3, सो एन की वैल्यू 3, दैट इज 2, और उसका होल स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये बनेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, और ये दिया है आपको 2 की पावर 8 × 3 की पावर 4। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2² × 3 की पावर 1, सो देयर विल बी 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा कितना, तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 4 − 3 दैट विल बी x, माइनस वाई 2 − 3 दैट इज −1, माइनस माइनस प्लस वाई, और 1 − 2 माइनस जेड, लेकिन माइनस साइन ऊपर है, सो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 12। और इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, ठीक है, तो इसको हमें कौन से सॉल्यूशंस निकालने हैं, नेचुरल नंबर में सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 12 − 1 c 3 − 1, दैट इज 11 × 10/2। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा,
दैट इज 55। और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि ये इक्वेशन है cos p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस cos px प्लस sin p इक्वल टू जीरो, और अगर इसके रूट्स रियल है तो p कौन से इंटरवल में लाई करेगा। तो रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि रियल बोला गया है तो इक्वल भी हो सकता है। cos स्क्वायर p माइनस 4 टाइम cos p माइनस 1 और साथ में कितना आएगा sin p, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कौन से इंटरवल में होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा एनालिसिस हो जाएगा। cos स्क्वायर p प्लस 4 टाइम 1 माइनस cos p इंटू sin p। देखिए यहां पर सब जगह पे ओपन इंटरवल है तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, 4 हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमेशा जीरो कब होगा, अगर मेरा साइन पी भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो जाए, और वो कौन से इंटरवल में होगा आपका, जीरो से पाई में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जीरो से पाई में हमेशा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने के कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सब पॉजिटिव हो गए और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इस इंटरवल में, तो हमेशा आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। और इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 6 हॉर्सेज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ स्टेड ऑफ 16 हॉर्सेज सो दैट देयर सेल ऑलवेज बी 3 आउट ऑफ द हॉर्सेज नेम ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। देखिए आपके सामने 16 हॉर्स है टोटल, उसमें से आपको 6 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 3 हॉर्स आपके इन 6 में से आने चाहिए। और साथ में आपको यह भी बोला गया है कि दोनों ए एक साथ नहीं आने चाहिए, दोनों बी एक साथ नहीं आने चाहिए और दोनों सी एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। बट नेवर ए ए डैश बी बी डैश और सी सी डैश टुगेदर, ये एक साथ नहीं होने चाहिए। तो पहले तो हम इसके नंबर्स देख लेते हैं और बाकी काम तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो देखिए अगर ए आता है, ठीक है, तो इसके साथ में क्या आ सकता है, इसके साथ में या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, ए के साथ में बी डैश आ सकता है या सी आ सकता है, ऐसे ही ए के साथ में बी आए लेकिन साथ में इधर सी डैश आ जाए, और या ए के साथ में इधर बी आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाए, इधर बी डैश आ जाए और इधर सी डैश आ जाए। मीन्स इसके ये 4 तरीके से 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर इन 6 में से 3 सिलेक्शंस करने हैं तो अगर ए आता है तो उसके साथ में बी और सी का सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। ऐसे अगर ए की जगह पर ए डैश आएगा तो जैसे ये 4 सिलेक्शन है वैसे ही आपके सामने 4 सिलेक्शंस और हो जाएंगे। तो इसमें से तो जो 8 सिलेक्शंस होंगे उनको आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, कि टोटल 4 सिलेक्शन ये और 4 जब एक ही जगह पे ए डैश होगा तो 8, तो 8 सिलेक्शन तो हो जाएंगे इन 6 में से आपके सामने 3 का सिलेक्शन, और बाकी जो आपके सामने कितने बचे 10, उसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल 16 थे, 16 में से 10 बचेंगे आपके सामने, सो देयर विल बी 10 सी 3। टोटल 6 करने थे आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 6, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 2 और ये 4, सो 12 इंटू 8 देयर विल बी 960। और ऐसा ऑप्शन है हमारे सामने ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि एबीसी इज ए वेरिएबल ट्राइंगल सच दैट ए इज 1, 2, ठीक है, एक कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, एंड बी एंड सी लाई ऑन दी लाइन, बी और सी है जो इस एक कोई लाइन है इसके ऊपर लाई कर रहे हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है, देन द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए ऑर्थो सेंटर जो भी होगा आपके सामने इससे इस बीसी लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है, और इस पॉइंट का अगर आपको लोकस चाहिए h, k, ठीक है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपको बीसी की स्लोप पता है दैट इज 1, तो अगर इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -1,
स्लोप आपको पता है एच के और 1 2 दो पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो, के माइनस टू डिवाइड बाई एच माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस वन, या ये के इन दो पॉइंट से स्लोप जो होगी वो माइनस वन के इक्वल होगी। यहां से कितना आएगा आपका y माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, सो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यही आपका क्या है यहां पर आंसर है। सो x प्लस y की वैल्यू 3, और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया कि फ्रॉम दी पॉइंट ए 0.3 ऑन दी सर्कल ए कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन। देखिए एक कोई सर्कल है जिसके ऊपर किसी बिंदु पॉइंट ए से एक कॉर्ड खींची गई, दैट इज ए बी। अब बी ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा ये अभी हमें देखना है, क्यों, क्योंकि वो आगे डिपेंड करेगा कहां पर होगा। ड्रॉन एक सच एंड एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट एम सच दैट ए एम इक्वल टू टू टाइम ए बी। देखिए ए एम जो है ना वो ए बी से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट आपका ये होगा और एम पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है ना। ए बी ये है तभी ए एम आपका ए बी का क्या होगा, ठीक है, ए एम इक्वल टू टू टाइम ए बी, ठीक है ना। ये पॉइंट ए था, ठीक है, इधर ये पॉइंट अगर ए बी की जो लेंथ होगी, ठीक है ना, ए एम की लेंथ उससे ज्यादा होगी, तो ये पॉइंट आपका बी होगा और ये पॉइंट आपका क्या होगा, एम होगा। क्लियर है। अब ए बी की लेंथ अगर मेरे पास में एक्स है तो ए एम की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट एम, तो पॉइंट एम का लोकस क्या होगा इसके बारे में आपको बात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो एच कोमा के है, और क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो यहां से हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देयर विल बी एच बाई 2 कोमा के प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और ये जो पॉइंट है आपके सामने ये किस पे लाई करेगा, ये आपके गिवन सर्कल पे लाई करेगा। तो इसको जब सर्कल में पुट करोगे तो देखिए आपको आपका लोकस मिल जाएगा एच स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 टाइम एच डिवाइड बाई 2 प्लस वाई माइनस 3, वाई में से 3 को सपरेट करेंगे तो के प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। इसमें वापस आप एच के को रिप्लेस कर देना तो देखिए मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूं कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 उधर चला जाएगा 0 की तरफ। तो ऐसा ऑप्शन आपको डायरेक्ट दिया हुआ होगा मेरे हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ऐसा आपका सेकेंड ऑप्शन है जो कि आपका सही आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है कि यहां पर एक्स की जगह पर आपको एफ एक्स पुट करना है, तो देखिए कितना आएगा x की जगह पर जब fx पुट करेंगे तो अल्फा इंटू एक्स की जगह पर fx और fx की वैल्यू पुट की वापस अल्फा x अपॉन x प्लस 1 डिवाइड बाई fx इसकी जगह वैल्यू पुट की अल्फा x डिवाइड बाई x प्लस 1 और प्लस 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला अल्फा स्क्वायर x डिवाइड बाई x प्लस 1 कट जाएगा, अल्फा x प्लस x तो x कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस 1 और साथ में आएगा यहाँ पर आपके सामने 1 और दैट विल बी इक्वल टू x। तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 1 और साथ में आएगा प्लस का x। तो देखिए यहाँ से आपके सामने दो टर्म आ रही है, इधर x स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट आ रहा है और इधर सिर्फ x का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो आपको क्या पता चलेगा कि x के कोएफिशिएंट्स को जब इक्वल करोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि इधर है नहीं तो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर हम ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए तो दोनों एक साथ ट्रू कब होगी आपकी, व्हेन अल्फा विल बी इक्वल टू -1 और यही आपका सही आंसर है। आपको अल्फा की वैल्यू पूछी है तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो आपका सही आंसर है। जब अल्फा की वैल्यू -1 होगी तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा आपका, एक्स के इक्वल होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है आपके सामने,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन। और आपसे देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पूछी है, लेकिन कहाँ पर? डोमेन के अंदर। तो जब भी डोमेन के अंदर डिसकंटिन्यूटी पूछी जाए, देख कंटिन्यूटी दो तरीके की होती है, एक ग्राफ की होती है, एक डोमेन में होती है। तो आपको डोमेन के बाहर जो पॉइंट है वहां पर चेक नहीं करना है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है बस वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका माइनस वन नहीं होना चाहिए। और माइनस वन नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन से लेकर के जीरो के बीच नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाले इंटरवल के अंदर हमें कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करनी है। और इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट हमें नहीं चेक करनी, सिर्फ हमें जीरो पर वैल्यू चेक करनी है और जीरो की राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। ऐसे माइनस वन पर हमें वैल्यू और राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करनी है, उसका पीछे वाला पार्ट चेक करना है। अब देखिए इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूटी आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और हमारे सामने ऑप्शन भी है इंटीजर होल नंबर और कैन नॉट से, मीन्स इस टाइप के सारे ऑप्शंस। तो देखिए बाकी सब जगह पर तो डिसकंटिन्यूटी रहेगी, ऑप्शन से भी हमें दिख ही रहा है, बस एक चीज पर आपको चेक करना है और वो यह है कि जब बाहर वाली टर्म ये जीरो हो जाती है, क्योंकि जब ये जीरो हो जाती है तो ये पूरे फंक्शन को क्या कर देती है? जीरो कर देती है, और वहां पर फंक्शन कई बार कंटिन्यूअस हो जाता है। तो x इक्वल टू जीरो पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो चेक नहीं करनी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट अगर चेक करें तो देखते हैं कितनी आएगी। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू की बात करें, तो f ऑफ जीरो बाहर वाली टर्म आपके सामने जीरो हो गई, और अंदर बनेगा आपके सामने साइन पाई, तो वो भी जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो आएगी। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो अगेन जीरो से बड़े नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा, और ये भी आपके टर्म जीरो होगा, तो ये अगेन पाई बनेगा, तो जीरो पॉजिटिव पर भी पाई आएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें चेक नहीं करनी है यहाँ पर, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं, ठीक है, और चाहो तो आप बाकी सारे इंटीजर्स पर किसी पर निकाल के देख लो डोमेन के अंदर, इन सारे पॉइंट्स पर आपके पास में ये फंक्शन कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूड। क्यों? क्योंकि बाहर जो नंबर है वो एक बार एक इंटीजर से कम रहेगा और दूसरे इंटीजर से ज्यादा होगा, और ये टर्म आपके सामने कुछ न कुछ आएगी हमेशा कैलकुलेट होकर के, तो वहां से आपको कोई ना कोई वैल्यू हमेशा मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए कोई भी प्लेन अगर ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब होगा? जब आपके सामने जो पॉइंट दिया गया है प्लेन के ऊपर, ठीक है, जो भी 1, 2, 3, ये इसका क्या बन जाए? नॉर्मल बन जाए। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा मैक्सिमम होती है, और जो आपका नॉर्मल होता है वही आपका क्या होता है? मैक्सिमम होता है। नॉर्मल जो होता है वो इसके साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका नॉर्मल है और पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो इससे आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, दैट इज 3:1, और पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं 1 टाइम x माइनस 1 प्लस 2 टाइम x माइनस 2 प्लस 3 टाइम x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इसके क्या हो जाएगी? प्लेन की इक्वेशन। ये निकालने का तरीका होता है जब डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट आपको दिया हुआ हो। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला एक्स प्लस 2y प्लस 3z, और साथ में आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 9 प्लस 1 10 प्लस 4 देयर विल बी 14। तो ये आपका सही आंसर है, और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि z1 z2 z3 z4, इनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो 1 का मतलब क्या हुआ? k की वैल्यू 1 पुट करना है, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3 और 4 का मतलब 4। तो इसको अगर मैं उस फॉर्मेट से देखूं, कौन से? यूलर फॉर्म से, तो ये बनेगा e टू दी पावर आयोटा पाई अपॉन 10, तो कॉमन आ जाएगा, और सब जगह पर k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा पाई, जो होता है वापस लिखेंगे तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, तो इन चारों का जो प्रोडक्ट होगा आपका वो कितना होगा? -1। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर। क्लियर है?
सो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है, इफ देयर आर एग्जैक्टली टू पॉइंट्स ऑन द एलिप्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज दिस। देखिए अच्छा, ये जो डिस्टेंस है आपके सामने, ये पेपर में आपके सामने ये थी ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसके इक्वल। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आपको देखिए ये डिस्टेंस तो दे रखी है कि एग्जैक्टली दो पॉइंट्स है, तो या तो वो मेजर एक्सिस के हो सकते हैं या फिर माइनर एक्सिस, या तो मेजर एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आपको चार पॉइंट मिलेंगे जो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, जैसे एक दो तीन और चार। सिर्फ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पर ही जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, एग्जैक्टली दो पॉइंट्स मिलेंगे, क्लियर। और अब देखिए माइनर एक्सिस का पॉइंट हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि माइनर एक्सिस से डिस्टेंस बी होती है और इसके अंदर ये पार्ट एड हो रहा है, तो ये तो बी से ज्यादा है, इसका मतलब वो किससे होगी, मेजर एक्सिस से होगी। तो एक्चुअली आपको ये दिया हुआ है कि मोड ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बाई टू के इक्वल। बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई टू के इक्वल है, तो आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वन बाई टू का ई स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई रूट टू। और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, सही आंसर है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको दिया है कि ये इंटीग्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं x बाई ई को t मान लेता हूं और उसकी पावर में भी x है तो पूरे को ही t मान लिया और इसमें लॉग ले लिया, तो क्या आएगा, देखिए x इंटू ln x माइनस ln e, e टू दी बेस पे होगा, दैट विल बी इक्वल टू ln t, तो x इंटू ln x माइनस x इक्वल टू ln t, क्योंकि मैंने सब्सटीट्यूशन किया है तो मेरे को dx भी चाहिए होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, x का डिफ्रेंशिएशन ln x माइनस ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, x कट जाएगा, माइनस 1 इंटू dx विल बी इक्वल टू 1 बाई t इंटू dt। तो देखिए आपको ln x इंटू dx दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्या बन गया, dt बन गया, तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा कुछ, ये बन गया t स्क्वायर माइनस 1 बाई t और साथ में ये बन गया dt। इसी के साथ आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए जब x 1 होगा तो ये कितना बनेगा, t 1 बाई e बनेगा इस बार, और जब x की वैल्यू e होगी तो e बाई e कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो वो 1 रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर dt बाई t भी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये t रहेगा, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर t बचा, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई t, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 1 से लेकर के 1 बाई e। तो देखिए जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 बाई 2 प्लस 1, दैट इज 3 बाई 2, और जब e पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब e पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर, 1 बाई ई पुट कर रहे हैं, और वहाँ पर 1 बाई ई पुट करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस ई। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, और ऐसा हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, और दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है कि फॉर ए रियल नंबर वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई, ये इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो देखिए पाई बाई टू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 होगा और 3 पाई बाई टू पुट करेंगे तो माइनस 1 होगा, तो एक्चुअली साइन का जो ग्राफ है आपके सामने ऐसा है कुछ, जहां पर ये 2 है और साथ में ये कितना है, माइनस 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में ये कभी 1 भी हुआ है हमारा, 0 भी हुआ है और माइनस 1 भी हुआ है, तो हमें इन सारे पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है, ठीक ना, जब जब ये इस तरीके से हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो पाई पाई 2 से हमें शुरू करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि 1 कब होगा पाई पाई 2 के बाद, जब ये 1 बन जाएगा मीन साइन एक्स की वैल्यू 1 बाई 2, और पाई पाई 2 के बाद कब होती है, वो होती है आपकी पाई माइनस पाई पाई 6, दैट इज 5 पाई पाई 6,
और यहां तक ये कितना होगा 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1 पे आ जाएगा। ऐसे ही फिर आएगा आपके सामने 5 पाई पाई 6 से लेकर के 0, 0 कब तक होगा पाई तक, तब तक ये 0 बन जाएगा। फिर पाई से लेकर के ये माइनस 1 होगा पाई प्लस पाई पाई 6, सो दैट इज 7 पाई पाई 6, और तब तक ये माइनस 1 चलेगा, और उसके बाद में 7 पाई पाई 6 से लेकर के 3 पाई पाई 2 तक ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। वही मतलब पाई पाई 6 का मल्टीपल पर ये आगे आपके सामने चलता रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए, यहां से आंसर आएगा आपका 5 पाई पाई 6 माइनस पाई पाई 2, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। यहां से आंसर आएगा आपका माइनस 7 पाई पाई 6 से प्लस पाई, और यहां से आंसर आएगा आपका माइनस 3 पाई पाई 2 से प्लस 7 पाई पाई 6। तो देखिए कितना आएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएगी। ये होता है 150, अगर ऐसे पाई में अगर दिक्कत हो रही है ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऐसे फास्टली कर सकते हैं। ये होता है 150 माइनस 90, सो दैट इज 60। इसके बाद में ये है आपके सामने 180 माइनस, ये इससे 30 डिग्री ज्यादा है, सो देयर विल बी माइनस 30। और साथ में ये है आपके सामने यहां पर आगे कितना आएगा, देयर विल बी 270, और ये इसमें से 60 कम होगा तो 270 इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 60 120 माइनस 30 दैट इज 90, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा डेटा चेक कर, ये माइनस 60 होगा, एक बार दोबारा चेक करो। यहां पर आएगा आपके सामने 5 पाई पाई 6 माइनस पाई पाई 2, ठीक है, सो देयर विल बी प्लस 60, उसके बाद ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके बाहर माइनस साइन आएगा, तो 7 पाई पाई 6 माइनस पाई, जो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म आपके सामने 7 पाई पाई 6 वाली बड़ी है, ये छोटी है, सो माइनस 30। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लीकेशन भी है इसके अंदर, ठीक है, बाहर 2 का मल्टीप्लीकेशन भी है और बाहर माइनस साइन है, सो ये हो जाएगा 3 पाई पाई 2 माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आएगा आपके सामने ये आएगा माइनस 120, कितना होगा माइनस 120। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 60 माइनस 30 दैट इज माइनस 90, चाहो तो सीधा भी कर सकते थे पाई में भी, सो देयर विल बी माइनस पाई पाई 2, और ये आपका सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया कि पॉइंट ए हैज लाइज ऑन द कर्व, इस कर्व पे लाई कर रहा है, एंड हैज द कोऑर्डिनेट दिस, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, वेयर पॉइंट बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोमा जीरो, ठीक है ना, एक्स कोमा जीरो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ओ ओरिजन है, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। इफ ओ इज द ओरिजन देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या हो सकता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो चलिए बात करते हैं। So, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई भी एक रफ कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज एक्स कोमा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक पॉइंट है एक्स कोमा जीरो, ये पॉइंट था आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी, और इधर आपको एक पॉइंट दिया गया है ओरिजिन, दैट इज जीरो कोमा जीरो। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा कितना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो देयर विल बी 1/2 इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इस एरिया को हमें मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डी ए बाई डी एक्स कितना आएगा, देखिए 1/2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आएगा वहां से माइनस का 2x स्क्वायर, एक्स तो है ही उससे माइनस 2x आएगा, सो माइनस 2x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से x की दो वैल्यूज आएगी आपके सामने, एक प्लस 1/√2 और एक आएगी माइनस 1/√2। तो देखिए ये जो होगा आपके सामने साइन चेंज होगा जब x एक्सिस पे, माइनस 1/√2 और 1/√2, क्योंकि देखिए जो 2x स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ में नेगेटिव साइन है, तो इधर तो होगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो जो आपके सामने ग्राफ बनेगा पहले कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग होगा फिर डिक्रीजिंग होगा, अब एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा या नहीं, बस ये उसकी शेप रहेगी ऐसी। तो मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे मिल रहा है आपको, मैक्सिमा मिल रहा है आपको 1/√2 पे, ठीक है, तो x इक्वल टू 1/√2 पे मैक्सिमा होगा। अब इसमें जब आप x की वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
तो बाहर आएगा आपके सामने 1/2√2, ठीक है, और e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सो देर विल बी -1/2। इसको अभी नीचे ले आए, इसको अंदर ले गए सबको, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 8 times e, और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विल बी, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास में बार बार आ रहा है, तो इसको टी मानते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी माना, तो हमें क्या मिला, 2x into y square plus 2y into x square into dy by dx will be equal to dt by dx। आई थिंक सब कुछ मिल गया हमें, 2xy square को भी इधर ले आए, प्लस 2x square y into dy by dx equal to dt by dx, तो ये पूरा dt by dx बन गया, और सिर्फ उधर बचा मेरे पास में 10t। बस इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, पार्ट्स को ब्रेक कर दीजिए, 10t इधर आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा। तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 होता है आपके सामने ऊपर आकर के cot, cot होता है cos by sin, और sin का इसी फॉर्मेट में आता है, सो देयर विल बी ln ऑफ sin t, इसी के साथ उधर आएगा आपके सामने x plus c। C के लिए आपको कुछ दिया गया है वैल्यू, आई थिंक y इक्वल टू 1 पर आपको वैल्यू दी गई है √π/2, तो पहले हम इसको xy में कन्वर्ट करते हैं, तो t को वापस पुट किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें मिलेगा ये ln ऑफ sin ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस c के इक्वल। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू 1 पुट किया तो इधर तो आएगा 1 plus c, इधर आएगा आपके सामने π/2, साइन π/2 कितना होता है 0, साइन π/2 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहां से आपसे देखा है साइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो log को हटा दिया, उधर c की वैल्यू -1 आ गई, तो वो बन जाएगा e टू दी पावर x -1, और यही आपका क्या है आंसर, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि सही आंसर है। क्लियर है, सो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हमारे यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस सच दैट एटलीस्ट 2xyz आर इंटीजर, इसमें से कम 2 आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक, एटलीस्ट 2, तीनों के तीनों भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो अगर देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, x 2y 4z, इधर 4yz, ठीक है, 2xz, ठीक है ना, इसी टाइप के मल्टीप्लीकेशन है, उधर xyz = 3। तो एक्चुअली क्या चीज है ये देखिए ध्यान से, ये पहली इक्वेशन तो है आपके सामने x + 2y + 4z एज इट इज दैट विल बी इक्वल टू 9। इसमें देखिए दो दो का प्रोडक्ट अगर हम इसी को करके देखें तो यहां पर 2xy है लेकिन उसमें xy आ रहा है, इसमें 8yz आएगा, उधर 4yz है, इसमें 4xz आएगा, उधर 2xz, मींस 2 की कमी है, तो वो तो हम पूरी कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये बनेगा आपके सामने x (2y) + 2y (4z और + x (4z, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके अंदर, तो उधर आ जाएगा आपके सामने 26। ऐसे ही xyz = 3, इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख दिया, x (2y) + 4z और दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई किया है तो उधर हो जाएगा 24। अब ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे सामने क्यूबिक के फॉर्मेट में आ जाए, ये एक क्यूबिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर जाएगा, t³ - sum of root देयर विल बी 9t² + 26t - 24 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से ये जो एक्स और 2y और 4z की जो वैल्यूज आएगी वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। इसके रूट्स अगर हम निकालें हीट एंड ट्रायल से, तो जैसे 24 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो t इक्वल टू 2 इसको आई थिंक सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें t इक्वल टू 2 पुट किया, 8 - 36 + 52 - 24, देखिए कितना आएगा, 60 - 60 सेटिस्फाई कर गया, तो बिल्कुल t इक्वल टू 2 इसका रूट है, t इक्वल टू 2 इसका रूट है,
तो इसके बाद में जो बाकी जो दो बचे आपके सामने, सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देयर विल बी 7, और उधर से अल्फा इंटू बीटा, एक 2 को हटा देंगे तो पीछे बचेगा 12। तो बाकी जो दो रूट्स है, ठीक है, जिसका सम 7 होगा और प्रोडक्ट 12 होगा, तो यहां से आप निकालें तो आपको दिखाई देंगे 3 और 4, जिनको एड करने से 7 आ जाएगा और प्रोडक्ट करने से 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो तीन वैल्यूज आएगी हमारे सामने x, 2y और 4z की, ठीक है, x, 2y और 4z की जो तीन वैल्यूज आएगी हमारे सामने, एक सेकेंड, there will be x, 2y और 4z, उसमें से एक वैल्यू हमारी 2 होगी, दूसरी वैल्यू 3 होगी और तीसरी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो देखिए अब लेकिन हमें वो वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज करना है, देखिए टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि एटलीस्ट 2 उसमें से क्या बनने चाहिए, इंटीजर बनने चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, अगर मैं x को पहले स्टार्टिंग में 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहां से मेरे पास में कोई सा भी एक नंबर को अगर मैं 3 के इक्विवेलेंट करता हूं और एक को 4 के इक्विवेलेंट करता हूं, तो देखिए क्या क्या केस बनता है। तो पहला केस देखते हैं, जैसे यहां पर 3 और यहां पर 4, तो x की वैल्यू यहां से 2 आएगी, y की वैल्यू 3/2 और z की वैल्यू 1, तो ये केस आपका वैलिड होगा क्योंकि इसमें दो इंटीजर आपके आ चुके हैं। ऐसे ही आप बाकी बात करेंगे, जब ये 2 होगा, इसको 4 और इसको 3 के इक्विवेलेंट करेंगे, तो यहां से x इंटीजर, यहां से y इंटीजर, तो दो इंटीजर आ गए, तो ये केस भी आपका वैलिड हो गया। ऐसे ही आपको बाकी चेक करने हैं, जब ये 3 होगा तो इसको 2 और 4 के इक्विवेलेंट किया, तो ये इंटीजर, तीनों इंटीजर आ गए, ये भी चल जाएगा। ऐसे ही इसको 3, इसको 4 और इसको 2 के इक्वल किया, तो इस बार देखिए ये 3 हो गया, ये आपके सामने 4 आ गया, ठीक है। तो देखिए जब ये आपके सामने यहां पर 4 आ रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है, और y की वैल्यू 2 आएगी, मीन्स ये वैलिड हो जाएगा, और यहां से 4z की वैल्यू, तो ये इंटीजर और ये इंटीजर हो गया, तो ये केस भी आपका वैलिड हो गया। ऐसे ही 4 के लिए देखेंगे, ये 4, ये 2 और ये 3, तो देखिए 4 के ऊपर ये इंटीजर, ये भी इंटीजर y=1, और ये भी आपके सामने नॉन इंटीजर, लेकिन क्योंकि दो इंटीजर हो चुके हैं तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। लास्ट केस देखें, 4, 3 और 2, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए ये तो इंटीजर आ गया, लेकिन ये दोनों कैसे आपके सामने नॉन इंटीजर, बट आपको एटलीस्ट दो इंटीजर चाहिए थे। तो इस तरीके से टोटल 5 केस ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, जहां पर इसके क्या होंगे आपके सामने, एटलीस्ट 2 एक्स वाई जेड में से क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इंटीजर टाइप का। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया गया है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x × 10 4x = 1, फॉर x बिलोंग टू 0 to π। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए 10 से, तो ये बनेगा साइन x इंटू साइन 4x विल बी इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर चला गया, तो यहां से ये बनेगा आपके सामने कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, दैट इज कॉस a प्लस b, और दैट विल बी इक्वल टू 0। कॉस a प्लस बी 0 आ गया, दैट मीन्स कॉस 5x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहां से हमें मिलेगी 5x की वैल्यू, कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 के ऑड मल्टीपल्स पे, सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो 2n + 1 π/2, तो यहां से x की देखिए क्या वैल्यू जाएगी, 2n + 1 × π/10। अब हमें ये देखने हैं कि इसके 0 से पाई में कितने सॉल्यूशंस होंगे, और n हमारा इंटीजर होगा यहां पर, तो इसमें देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 0 से स्टार्ट करके, तो हमें मिलेगा π/10, इसके बाद 3π/10, इसके बाद में 5π/10, इसके बाद में 7π/10, और इसके बाद में 9π/10। इसके आगे हमें जाना नहीं क्योंकि हमें 0 से पाई में पूछे थे, और इसके पहले भी नहीं क्योंकि इसके पहले हमारे सामने नेगेटिव नंबर्स होंगे। लेकिन क्या ये सारे आंसर्स होंगे, तो क्योंकि जब भी देखिए 10 क्वेश्चन में आता है तो हम एक चीज जरूर चेक करते हैं कि ये π/2 का मल्टीपल तो नहीं बन रहा है किसी टर्म पे। तो यहां पर देखिए ये जो एक टर्म ऐसी आएगी, देयर विल बी π/2, ठीक है, और ये π/2 जब आप यहां पुट करोगे इसके अंदर 10x के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, 10π/2, जो कि अनडिफाइंड होता है, तो ये वाला जो है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स अगर आप पुट करके देखेंगे तो कहीं पर भी π/2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ये जो बाकी जो चार है, ये चारों के चारों आपके क्या है, सॉल्यूशंस है।
तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछे गए हैं वो कितने हो जाएंगे, 4। सो 4 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको तीन इक्वेशंस दी गई है, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू के, एंड एक्स प्लस फाइव वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू के स्क्वायर हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखिए तीन इक्वेशन जो कि होमोजीनियस नहीं है और उनका अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो वैसे तो देखिए क्वेश्चन में दिया है तो होगा, बट फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि इससे जो डिटर्मिनेंट बन रही है कोएफिशिएंट से, ठीक है, 1, 3, 4 और 1, 5 और 10, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको 0 करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो इस पहले वाले के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 8 माइनस 3, सो देर विल बी 8 माइनस 3 विल बी 5, फिर माइनस साइन, दिस एंड दिस, 20 माइनस 5 देर विल बी 15, और इसके बाद में 4 into 2, 8 माइनस 3, एक सेकेंड दोबारा, देर विल बी, सबसे पहले आएगा आपके सामने 30 माइनस 20 दैट इज 10, उसके बाद माइनस 15 और लास्ट में आएगा 5। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और डेल्टा की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन वो कब होंगे, जब आप क्या करोगे, डेल्टा 1 को 0 करोगे, डेल्टा 2 को 0 करोगे और डेल्टा 3 को 0 करेंगे। डेल्टा 1, 2 और 3 को कैसे 0 करना है ये आप सबको पता होगा, हमें तीन डिटर्मिनेंट बनानी है। एक बार पहली रो को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1k और k स्क्वायर से, एक बार सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे और एक बार थर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और तीनों से जब आप कॉमन सॉल्यूशंस देखेंगे यहाँ से इसको कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर आपको के की दो वैल्यूज ऐसी मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर ये क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऐसी आएगी जहाँ पर ये तीनों नंबर्स आपके क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरीके से इसका जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ये सॉल्व आपको करनी है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, सॉल्व करने से आपको दो वैल्यूज के की यहाँ पर डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज मिल जाएगी। सो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - 4 - x2 का स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। देखिए इसको देख करके क्या पता चल रहा है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर के अंदर और टर्म है, तो इस वाली टर्म को देखिए, अगर मैं y1 मान लेता हूँ और इसमें से माइनस साइन कॉमन लेकर के इसको अगर मैं y2 मानता हूँ, तो ये मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमारी लीस्ट होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, y1 मैंने किसको माना है यहाँ पर, x1 को, और y2 मैंने किसको माना है, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद वो पीछे बचेगा 4 + x2² / 4। तो एक्चुअली क्या है कि ये दो कर्व है जिसके ऊपर, एक के ऊपर आपको पुट किया गया है पॉइंट x1, y1, और दूसरे पे पुट किया गया है x2, y2। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दोनों कर्व है, ठीक है, इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहला कर्व है जैसे हमारा y = x, सो ये है y = x जिसके ऊपर पॉइंट था x1, y1, और दूसरा है कि आपका पैराबोला जिसमें अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है, दैट मीन्स इस टाइप का कोई भी एक पैराबोला बनेगा, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। तो देखिए दो कर्व के बीच में लीस्ट डिस्टेंस कब आपके सामने लाई करती है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, उनका जो कॉमन नॉर्मल होगा, ठीक है ना, वहाँ पर इनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस लीस्ट होगी। डिस्टेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की होगी, और लिस्ट वहाँ पर होगी जहाँ पर आप इनके दोनों के बीच में क्या बनेगा, कॉमन नॉर्मल बनेगा। तो कॉमन नॉर्मल का कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट के ऊपर जो ये जो लाइन थी जहाँ पर x2, y2 था, उसके ऊपर जो आपके सामने टेंजेंट बने उसकी और इसकी स्लोप क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस लाइन की स्लोप तो हमें पता है y = x की, इसकी स्लोप कितनी है, 1, और उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट की स्लोप निकालें तो इस कर्व को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें y = 4 + x² / 4, तो देखिए dy/dx कितना आ रहा है, dy/dx मिलेगा 0 + 2x, सो 2x/4, सो देर विल बी x/2, और ये कितना होना चाहिए, ये हमारे सामने कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये आपके सामने कौन सी लाइन के पैरेलल है, y = x के। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और आपसे यही पूछा है,
ठीक है, कि x2 की वैल्यू क्या होगी। तो x2 कॉमा y2 जो था वो आपका इस कर्व के ऊपर पॉइंट था, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और वहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका कितना आ रहा है 2। तो यहां पर जो x2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। अगर आपसे लीस्ट वैल्यू भी पूछी जाती तो वो भी आप निकाल सकते थे। यहां पर x की वैल्यू 2 है, 2 यहां पे पुट करेंगे तो y 5 आ जाएगा, और 2 कॉमा 5 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लेते वो इन दोनों कर्व के बीच में लीस्ट डिस्टेंस आपके सामने होती। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से 2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 2। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बहुत है। f ऑफ 0 और f ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है आपको। f डैश x की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो x बिलोंग टू 0 से 2, देन वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 कितना होगा। तो देखिए 0 से 2 आपको दिया हुआ है और आपको दो इंटरवल दे रखे हैं और f ऑफ 1 पूछा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप इसके अंदर 0 से 1 के अंदर LMVT लगाइए, x belong to 0 से 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 0 से 1 में लगाना है, क्योंकि देखिए हमसे f ऑफ 1 पूछा गया है और f ऑफ 0 हमें दिया गया है, ठीक है, और साथ में f dash x की कंडीशन हमें दी गई है। तो इसमें अगर मैं LMVT लगाऊंगा f dash x के अंदर तो ये होगा f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 और दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा f ऑफ 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस f ऑफ 0 जिसकी वैल्यू है 2। तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे सामने लेस देन और इक्वल टू 5। ऐसे हमें ये पूरा जो फंक्शन है वो 0 से 2 में डिफ्रेंशिएबल दिया गया है, तो हम ऐसे ही क्या करेंगे 1 से 2 में भी क्या करेंगे LMVT अप्लाई करेंगे। 1 से 2 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 भी दिया गया है और इससे भी f ऑफ 1 जनरेट हो सकता है। तो इसमें अगर LMVT लगाएं तो यहां से आएगा देखिए f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 दैट इज f डैश x, और ये आपको दिया गया लेस देन और इक्वल टू 3। LMVT में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, f डैश x को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए यहां से f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 3 प्लस f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, अच्छा हमें f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ 1 निकालना है, f ऑफ 2 की वैल्यू यहां पर दी गई है। तो देखिए यहां से f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम LMVT लगाते हैं तो हमें मिल रहा था f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। 2 माइनस 1 कितना हो गया था 3। f ऑफ 2 की वैल्यू 8 है तो यहां से आएगा 8 माइनस 3 विल बी लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 1। तो यहां से आपको मिलेगा f ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो देखिए यहां से आ रहा था f ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 5, और यहां से आ रहा है f ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब दोनों चीजें तो हो नहीं सकती कि 1 से छोटा भी हो जाए और 1 से बड़ा भी हो जाए, तो दोनों चीजें एक साथ इक्वल कब होगी, जब आपके सामने f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 5 कब, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है। तो इसी के साथ आपका आज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।